लखनऊ स्थित रीना शिक्षा सहायक फाउंडेशन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक इनोवेटिव लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। यह संगठन विभिन्न तरीकों से शिक्षा के लिए समर्पित है और ज़रूरतमंद बच्चों की आर्थिक और सामाजिक सहायता भी करता है। इस संगठन के तीन मुख्य उद्देश्य हैं, जो शिक्षा के साथ ही बच्चों को आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मरक्षा करना भी सिखाते हैं। में देखिए, हम लोग बच्चों को एजुकेशन प्रमोट करते हैं जितना आगे वो बढ़ सके। हम लोग उतनी कोशिश करते हैं कि वो लोग हमारे साथ साथ, जैसे कुछ फिजिकल जो बच्चे हैं जो कि मतलब बोल नहीं पाते हैं, उनसे रिलेटेड भी हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। और स्वाभिमान में हम लोग सिलाई कढ़ाई हम लोग ये सब भी सिखाते हैं कि बच्चे जो हमारे साथ लेडीज़ आते हैं तो उनके पास अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जितना भी हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो और वो अपना स्वाभिमान उनको प्राप्त हो। इस संगठन से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि गरीबी में पले बच्चों को शिक्षा देकर सामाजिक सेवा का अवसर मिलता है। साथ ही छात्रों की सफलता को देखकर शिक्षकों को आत्मविश्वास और प्रोत्साहन भी मिलता है। शिक्षक अपने काम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एहसास कराते हैं। बच्चों को देखते हैं, मतलब इन लोग के अंदर थोड़ा चाहत होती है पढ़ने की, समझने की, हर चीज़ को। पढ़ाई के अलावा ये लोग दुनिया के भी नॉलेज लेना चाहते हैं, क्या है, कैसे होता है। यही मुझे इंस्पायर करता है पढ़ाने के लिए। वैसे तो बहुत शैतानी करते हैं, पर जब ये लोग आते हैं एकदम एनर्जी के साथ रहते हैं हमेशा, और सारी चीज़ें एनर्जी के साथ करते हैं। पढ़ना हुआ, गेम्स हुआ, सारी चीज़ें इतने एनर्जी के साथ कि कभी इन लोग को देख के लगता ही नहीं कि ये लोग कभी थके हैं। तो पूरा दिन चाहे जितना भी कुछ चीज़ें होती है उसके बाद भी एक रहता है कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं इतने बड़े होकर कैसे नहीं कर सकती इन लोग के लिए। वो भी इतने छोटे छोटे बच्चे इतने दूर से पढ़ने आते हैं तो मैं इधर कैसे नहीं आ सकती पढ़ाने के। माय नेम इज़ सुशील रावत, आई एम स्टेड इन क्लास 7th। मैं हम आर्मी में जाना चाहती हूँ। IPS ऑफिसर। आपके पापा क्या करते हैं? सेटिंग का काम करते हैं। शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इसके महत्व को समझना भी चाहिए। वहीं RSSI NGO संगठन इस मिशन को बखूबी निभा रहे हैं और ज़रूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ ही साथ उनका भविष्य भी संभाल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तुषार जैन के साथ मैं हर्षिका मिश्रा, JIT Times TV लखनऊ।